नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं प्रवीण दलाल, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टमाटर की एक नई किस्म के बारे में। बात करेंगे जो ये टमाटर की नई किस्म है, हमारे वैज्ञानिकों ने नई किस्म इजाद की है जो कि टमाटर की अन्य किस्म के मुकाबले 3 से 4 गुना इसकी पैदावार होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो किसान भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। टमाटर की फसल एक बहुत ही नाजुक फसल है जिसमें बीमारियां बहुत जल्दी लग जाती हैं, और दोस्तों जो मौसम की मार है वो भी टमाटर की फसल पर बहुत ज़्यादा होती है। जो हमारे किसान भाई हैं टमाटर की खेती करते हैं उनको पता है टमाटर में मुख्यतः 3 प्रकार की बीमारियों का हम किसानों को सामना करना पड़ता है, और जो ये नई किस्म बनाई है ये नई किस्म उन 3 बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोधक है। 3 जो बीमारियां हैं जो टमाटर की फसल में आती हैं वो अगेती झुलसा रोग, जो अगेती झुलसा रोग होती है उसमें जो हमारे टमाटर के जो पत्ते होते हैं वो झुलस जाते हैं, उनके साइड की जो किनारियां होती हैं वो जली हुई प्रतीत होती हैं। तो आपने किसान भाइयों आपने देखा होगा अगेती झुलसा रोग के कारण हमारी फसल नष्ट हो जाती है और इससे हमारी पैदावार पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक अगेती झुलसा रोग है, दूसरा पत्ती मरोड़ रोग है जिसे हम आम भाषा में मरोड़िया रोग कहते हैं। मरोड़िया रोग भी हमारी टमाटर की फसल को बहुत जल्दी अपने प्रभाव में ले लेता है और जिससे हमारी फसल खराब हो जाती है। जब हमारी टमाटर की फसल में पत्ता मरोड़ रोग का प्रकोप बढ़ जाता है उसके कारण हमारी जो फसल पर नए फूल और नई पत्तियां वो आनी बिल्कुल ही बंद हो जाती हैं। और जो तीसरी जो बीमारी है वो अगेती अंगमारी होती है। एक अगेती जो अंगमारी जो हमारे टमाटर की फसल में आती है, और नंबर तीसरी जो बीमारी है वो अगेती अंगमारी है। अगेती अंगमारी फसल से हमारे टमाटर की 70 से लेके 100% फसल जो इससे खराब हो सकती है अगर इस पर समय से इस पर का बचाव न किया जाए या किसान भाई इसका ध्यान न रखें तो हमारी पूरी की पूरी फसल इससे खराब हो जाती है और हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। अगेती जो अंगमारी जो बीमारी होती है उसमें हमारे टमाटर के पौधे की टहनियाँ सूखने लग जाती है और हमारी फल फूल और लास्ट में हमारा पूरे का पूरा पेड़ सूख जाता है। तो ये मुख्यतः 3 बीमारियां हैं जो कि विषाणु के कारण होती हैं, और टमाटर की फसल में ज़्यादातर ये 3 बीमारियां आती हैं। हमारे पास पहले जो बीज उपलब्ध थे वे सब बीज इन बीमारियों के प्रतिरोधक नहीं थे, तो अब वैज्ञानिकों ने एक नया बीज की खोज की है जो हम किसान भाइयों के लिए वरदान साबित हो सकता है। इन सभी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने एक टमाटर की ऐसी नई किस्म तैयार की है जो इन 3 बीमारियों के प्रति त्रिगुणी प्रतिरोधक क्षमता रखती है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है हमारे टमाटर में जो ये 3 बीमारियां हैं, झुलसा रोग है, पत्ता मरोड़ रोग है और अंगमारी रोग है जिससे हमारे टमाटर की फसल खराब होती है, ये जो बीज है इन 3 बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता इसमें उपलब्ध है। और वो टमाटर की नई किस्म है अर्का रक्षक F1 संकर प्रजाति। संकर प्रजाति की अर्का 1 F1 जो टमाटर की नई किस्म है जो हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार की है ये इन 3 बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता रखती है। अर्का रक्षक F1 संकर प्रजाति की पैदावार के बारे में हम बात करें तो इसके एक पौधे से 18 किलो टमाटर की पैदावार हो जाती है, और एक एकड़ में इसकी पैदावार की हम बात करें तो 300 से लेके 320 क्विंटल तक इसकी पैदावार होती है।
तो जो किसान भाई टमाटर की खेती करते हैं वो इस बीज का प्रयोग करें और इस प्रजाति के जो टमाटर हैं, जो फल हमें मिलता है उसका वजन, एक टमाटर का वजन 90 से लेके 100 ग्राम तक इसका वजन होता है और एक पौधे से 18 किलो टमाटर की पैदावार होती है, जो कि हम किसान भाइयों के लिए वरदान साबित होगी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जो इस बीज की जो उपलब्धता है वो हम ऑनलाइन आप मंगा सकते हो, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से भी जो ये बीज है सीधा कंपनी से आपके पास होम डिलीवरी हो जाती है। धन्यवाद।